एक नदी के किनारे दो पेड़ थे। उसे रास्ते से एक छोटी सी चिड़िया गुजरी और पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाला है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे टहनी में घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन वो पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया फिर दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा, तो दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दूसरे पेड़ में घोंसला बनाकर रहने लगी। एक दिन इतनी अधिक बारिश हुई कि इसी दौरान पहला पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। जब चिड़िया ने उस पेड़ को बहते हुए देखा तो कहा, जब तुमसे मैं और मेरे बच्चे शरण के लिए आई तब तुमने मना कर दिया था। अब देखो, तुम्हारे उसी रूखी बर्ताव की सजा तुम्हें मिल रही है। जिसका उत्तर पेड़ ने मुस्कुराते हुए दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमजोर हैं और इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और ये कहते कहते पेड़ बह गया। निष्कर्ष, किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता न समझे। क्या पता उसके उसी इनकार से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए किसी के चरित्र और शैली उनके वर्तमान व्यवहार से न तौलें।